क्या टीवी क्वीन एकता कपूर करने वाली है शादी? क्या 48 की उम्र में बनेगी दुल्हन? जितेंद्र के घर बजने वाली है शहनाई? कपूर परिवार को मिलने वाला है दामाद? फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। एक के बाद एक कपल की शहनाई बजती जा रही है। वेडिंग के सीजन में एंटरटेनमेंट क्वीन एकता कपूर को लेकर ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर फैंस खुश हो गए हैं। 48 साल की एकता कपूर की शादी की चर्चा जोरों शोर से सोशल मीडिया पर चल रही है। फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि एकता ने अब घर बचाने का अंदाजा स्टार्ट कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि इन खबरों का हवा खुद एकता ने दी है। एकता कपूर ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को कंफर्म किया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताया। उसके बाद से फैंस उनकी शादी का अंदाजा लगा रहे हैं। इस पोस्ट में रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में सवाल पूछा गया और तीन में से कोई एक ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया। एकता ने सिंगल या रिलेशनशिप वाले ऑप्शन को सुनने और चुनने की बजाय हा 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 वाले ऑप्शन को चुना है। जब से एकता ने ये ऑप्शन चुना है तब से फैंस ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वो शादी करने वाली हैं। अब इसीलिए शारों में वो अपने दिल की बात फैंस के साथ शेयर कर चुकी हैं। 48 साल की उम्र में एकता कुंवारी हैं, हालांकि वो एक बेटे की माँ बन चुकी हैं। उनका बेटा रवि 5 साल का है। साल 2019 में एकता सरोगेसी के थ्रू माँ बनी थी। एकता कपूर शादी करना चाहती थी। आज वो बॉलीवुड वाइफ भी होती, लेकिन पापा जितेंद्र की एक शर्त ने उन्हें रोक लिया था। जब एकता 15 साल की थी तो उन्हें शादी करना और पार्टी करने का बहुत शौक था। उन्होंने जितेंद्र से शादी करने को कहा, जिस पर जितेंद्र ने कहा, या तुम शादी कर लो या पार्टी कर लो, जैसा कि तुम चाहती हो, या फिर मेरे मुताबिक या तुम अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। एकता ने पापा की बात मानी और काम करना शुरू कर दिया। और कम उम्र में ही एकता सीरियल बनाने लगी और आजकल वो एंटरटेनमेंट दुनिया की क्वीन है। एक दौर में एकता को चंकी पांडे पर क्रश था, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी। फिलहाल एकता की इस पोस्ट के बाद उनके फैंस उनके शादी के अंदाजे लगाने लगे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।